मन की अशांति व्यक्ति के जीवन को उस मृग के कस्तूरी के समान बना देती है, जो होती तो मृग के पास ही में है, पर वो उसे पाने के लिए हताश होकर पूरे वन में दौड़ता हुआ खोजता है। ठीक वैसे ही मन में उत्पन्न विचार व्यक्ति को व्याकुल करते रहते हैं और व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर पाने की चाह में दर दर भटकता रहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक प्रसंग कहानी को बताएंगे, जो कि हमारे अशांत मन में चल रहे प्रश्नों को खत्म कर देगी। इससे पहले कि आप कहानी के अंदर खो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही अशांत लग रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं जरूर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसके लिए तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। तुम्हारे हर प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य ही मिल जाएंगे, मैं अपनी बात से पक्का हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा, उसका मन शांत होने लगा और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह पूरा साल बीत गया और वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल के बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था, आज 1 साल पूरा हो गया है, अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में अनेकों नाना प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उन अनेकों प्रश्नों के उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ उत्तर ही उत्तर रह जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।